90 के दशक के राजा बाबू कहलाने वाले अभिनेता गोविंदा ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही सुनीता आहूजा नाम की एक लड़की के साथ लव मैरिज कर ली थी, जिनके प्यार में ये पूरी तरह पागल होने के बाद ही बॉलीवुड में आए थे और जिनके सिवा ये किसी को देख भी नहीं सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि गोविंदा शादी करने के बाद बॉलीवुड की एक अभिनेत्री के प्यार में ऐसे फंसे थे कि उनके चक्कर में इन्होंने अपने घर बार भी छोड़ दिया था। जी हाँ, यह बात चौंकाने वाली जरूर है, पर यह सच है। मगर वो खूबसूरत अभिनेत्री थी कौन जिन्होंने गोविंदा को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, चलिए जानते हैं इसी के बारे में। पर उससे पहले गोविंदा के लिए एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंदा बेहद शांत और हसमुख किस्म के इंसान रहे हैं, पर इनका दिल भी अपनी बीवी सुनीता आहूजा को छोड़कर अभिनेत्री रानी मुखर्जी पर आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा रानी मुखर्जी के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो गए थे कि वो अपनी पत्नी सुनीता आहूजा तक को छोड़ने को तैयार हो गए थे। दरअसल गोविंदा और रानी 90 की सुपरहिट जोड़ी कहलाती है। दोनों एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे, पर फिल्म हद कर दी आपने में साथ काम करने के दौरान गोविंदा का दिल रानी पर आ गया। बता दें, रानी शुरुआत से ही गोविंदा की फैन थी। गोविंदा के खुशमिजाज नेजर को खूब पसंद करती थी, फिर एक्ट्रेस को उनसे प्यार हो गया। कहा जाता है कि गोविंदा रानी मुखर्जी को महंगे तोहफे भी दिया करते थे। इतना ही नहीं, वो घर छोड़कर रानी के साथ रहने के लिए भी चले गए थे। मगर जब रानी और गोविंदा के अफेयर की बात सुनीता तक पहुंची तो दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। गोविंदा के बच्चे भी थे। ऐसे में एक्टर को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी से दूरी बना, उन्होंने सुनीता से माफी मांगी और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। आज गोविंदा और सुनीता बॉलीवुड के हैप्पीएस्ट कपल हैं। तो दोस्तों, आपको गोविंदा की जोड़ी रानी मुखर्जी के साथ अच्छी लगती है या फिर सुनीता आहूजा के साथ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।